नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि कानून के बचाव में पैसा बहाती मोदी सरकार की, किसानों के आंदोलन की जानेंगे, असम में राहुल गांधी ने कैसे शुरू की चुनावी तैयारियां, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने क्या दिया बयान, और बुलेटिन के आखिर में बात अनिवार्य होते फास्टैग की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने दिया बड़ा बयान। एंटनी ने कहा, मोदी सरकार ने देश की जमीन पड़ोसी देश को सौंपी, सरकार ने किया सरेंडर। पीएम मोदी ने चेन्नई में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार परियोजना का किया उद्घाटन। योजना में खर्च होंगे 3,770 करोड़ रुपए। रिलायंस की तर्ज पर गैस कारोबार की अलग कंपनी बना रही ONGC। ONGC के निदेशक मंडल ने नई कंपनी के गठन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। ताजमहल में लगेगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम। इस सिस्टम से किसी भी प्रकार की घटना में सबको एक साथ किया जा सकेगा सूचित। ये सिस्टम भारत के किसी भी मॉन्यूमेंट में नहीं है। और चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन भारत पहुंचा मजबूत स्थिति में। पहली पारी में इंग्लैंड 134 रनों पर हुआ आउट। दूसरी पारी में भारत ने एक विकेट पर बनाए 54 रन। 249 रन की हो चुकी है भारत की बढ़त। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार और किसान आमने सामने हैं। अन्नदाता इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी बिल की खामी को समझने की बजाय उसके प्रचार के लिए सरकारी खजाना पानी की तरह बहा रहे हैं। जी हां, किसानों को कृषि कानूनों के फायदे समझाने की कोशिश में मोदी सरकार 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन उसका कोई भी फायदा होता नजर नहीं आया। किसी भी देश की सरकार कोई फैसला तब लेती है जब उसमें जनता की भलाई छिपी होती है, लेकिन मोदी सरकार तो लोगों के फायदे की बजाय अपना ही लाभ सोचती है। इसलिए तो जब किसान पिछले 80 दिनों से कह रहे हैं कि कृषि कानून हमारे फायदे के लिए नहीं है, इससे आय दुगनी होने के बजाय नुकसान होगा, इससे खेती में लोगों का दखल बढ़ेगा, लेकिन मोदी सरकार अन्नदाताओं की इस बात को सुनने को तैयार नहीं। वो तो किसानों को ही गलत ठहराने में जुटी है। इस सही और गलत की लड़ाई में खुद को सही साबित करने के लिए सरकार जमकर सरकारी खजाना बहा रही। मोदी सरकार कृषि कानूनों को किसानों के पक्ष में बताने के लिए बीते कुछ महीनों में लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ये रकम सरकार के अलग अलग विभागों के जरिए सितम्बर 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच खर्च की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन विभाग ने इससे जुड़े विज्ञापन देने पर 7.25 करोड़ रुपए खर्च किए। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी बताया कि इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों में भी ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन विभाग ने विज्ञापन छपवाए। इन विज्ञापनों में कृषि कानून से जुड़े भ्रम दूर करने के साथ ही किसानों को इसके और किसानों के कल्याण विभाग ने कृषि कानूनों को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के लिए 3 प्रमोशन और 2 एजुकेशनल फिल्में बनवाई और इन पर 68 लाख रुपए खर्च किए। इन फिल्मों को इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर चलाया गया। कृषि मंत्री ने खुद ही अब सरकार की पोल खोल दी। उनके इस बयान से साफ है कि मोदी सरकार किसानों को मनाने में नाकाम रही है। सरकार कृषि कानून के फायदे बताने के लिए पैसा बहा रही है, लेकिन किसानों को कानून में सिर्फ खामियां ही दिख रही हैं। साथ ही ये डर भी कि सरकार का कानून उनकी जमीनें भी ले लेगा। किसान सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो कृषि कानून वापस ले। 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का धरना चल रहा है, तो आज दिन भर किसानों के आंदोलन का क्या रहा हाल, देखिए ये रिपोर्ट। किसानों ने 80 दिनों से दिल्ली की सीमाओं को ही अपना घर मान लिया है। वो आए तो थे अपनी मांग मनवाने, लेकिन सरकार शायद नहीं चाहती कि किसान अपने घर को वापस हो। और अब सर्दियां बीतने को है और गर्मी शुरू होने को है, लेकिन किसान अभी भी डटे हैं, अपनी मांग मनवाए बगैर घर वापसी को तैयार नहीं है। अब किसान सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए अपने आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिसके तहत किसान शहर शहर और गाँव गाँव में महापंचायत कर रहे हैं। साथ ही 18 फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रम भी कर रहे हैं। और आज भी किसानों ने जवानों की याद में कैंडल मार्च निकाला। वहीं 18 फरवरी को किसान देश भर में रेल रोको आंदोलन करेंगे। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने सोनीपत रेलवे स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि किसान ये नहीं बता रहे कि कानून में गलत क्या है, जबकि हम हर मीटिंग में सरकार को कानून की कमी के बारे में बताते रहे हैं। पूरा कानून ही किसानों के खिलाफ है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसे वापस ले, लेकिन सरकार इसे वापस नहीं ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा
कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड के बाद से अभी भी 16 किसान गायब हैं। इसके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही है। पुलिस गलत मामले में इन्हें फंसा सकती है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध तब तक तेज होता रहेगा जब तक कि किसानों की मांगे नहीं मानी जाती। गर्मियों में धरना स्थलों पर टिकने के लिए किसानों को एसी और कूलर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सरकार को बिजली कनेक्शन देना चाहिए, नहीं तो हमें जनरेटर लगाने पड़ेंगे। जिस तरह लोग हमें पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, उसी तरह जनरेटर के लिए डीजल भी मुहैया करवा देंगे। किसान को इंतजार है कि कब सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार होती है। दूसरी ओर कांग्रेस किसानों और सरकार के कृषि कानूनों के सहारे चुनावी मैदान मारने की तैयारी में है। कांग्रेस मोदी सरकार के कानूनों को ही जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों में मुद्दा बनाने की तैयारी में है। असम में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी असम के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। असम विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब बस इंतजार है चुनावों की तारीखों के ऐलान का। चुनाव आयोग असम में दो चरण में मतदान करा सकता है। चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी ताकत लगाना भी तेज कर दी है। आज राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस के चुनाव कैंपेन का आगाज किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज असम के शिवसागर जिले के शिवनगर बोर्डिंग फील्ड में थे, जहां उन्होंने पार्टी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि असम में स्थानीय आबादी का मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन असम के लोगों में वो क्षमता है कि इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। असम हिंदुस्तान के गुलदस्ते का फूल है, अगर असम को नुकसान होगा तो देश को नुकसान होगा। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे दो वाली सरकार सुन ले, असम में नागरिकता कानून कभी भी लागू नहीं होगा। हम दो हमारे दो चाहते हैं कि जो भी कुछ असम में है उस पर कब्जा कर लिया जाए। ऐसे लोगों को असम की जनता और कांग्रेस पार्टी मिलकर सबक सिखाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि रिमोट से टेलीविजन चल सकता है, लेकिन असम नहीं चल सकता। आपका चीफ मिनिस्टर असम का होना चाहिए, आपके चीफ मिनिस्टर को असम के लिए काम करना चाहिए। आज के चीफ मिनिस्टर दिल्ली गुजरात के इशारे पर चलते हैं। हमें इसलिए इस सरकार को हटाना है। बता दें कि कुछ महीने में देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इसमें असम में 126, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए चुनाव होना है। तो वहीं 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए भी मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस अपनी ओर से कोई भी चूक नहीं करना चाहती। इसके मद्देनजर कांग्रेस ने असम में अपनी रणनीति बनाते हुए राज्य में असम बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता राज्य में सभी स्वयं सेवकों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज समूह के पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इस दौरान वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में इन सब की राय भी लेंगे। वहीं असम प्रदेश कांग्रेस समिति ने इस महीने के भीतर बराक घाटी, उत्तरी असम और निचली असम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 3 रैलियां आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF और 4 अन्य दलों के साथ एक महागठबंधन बनाया है। कांग्रेस असम के चुनावों में जोर देते हुए पार्टी को मजबूती देने में लगी है। वैसे मजबूती की जरूरत तो देश में चुनाव व्यवस्था से लेकर न्याय व्यवस्था तक को है। देश में पिछले कुछ सालों से न्यायिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब एक बार फिर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने न्यायिक व्यवस्था को लेकर ऐसा बयान दे दिया जो उसके कमजोर होने पर इशारा कर रहा है। क्या कहा है पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभों में से एक है न्यायपालिका, जिस पर समाज का भरोसा टिका है। अदालत को न्याय का मंदिर भी कहा जाता है। वहां से जो फैसला आता है लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या अब न्यायपालिका कमजोर होने लगी है? क्या कोर्ट से लोगों का विश्वास डिगा है? ये सवाल भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के उस बयान के बाद उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे खस्ता हाल बताया है। जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अब कोई भी कोर्ट नहीं जाना चाहता। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि कौन कोर्ट जाता है, आप अदालत जाते हैं और पछताते हैं। बड़े कॉरपोरेट ही अदालतों का रुख करते हैं क्योंकि ये जोखिम उठा सकते हैं। पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप अदालत जाते हैं तो आप अपने निजी मामलों को कोर्ट में सार्वजनिक करते हैं, आपको कभी भी फैसला नहीं मिलता। कानून व्यवस्था पर बोलने के साथ साथ
उन्होंने कोलेजियम और मोदी सरकार के बीच जारी टकराव को लेकर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सही काम के लिए उचित व्यक्ति को नियुक्त करना है। आप जजों की नियुक्ति वैसे नहीं कर सकते जैसे सरकार में अफसरों की होती है। न्यायाधीश बनना एक पूर्णकालिक प्रतिबद्धता है, ये एक जुनून है। एक न्यायाधीश के काम के लिए कोई तय घंटे नहीं होते, ये 24 घंटे का काम है। आप रात 2 बजे नींद से उठते हैं, कोई बिंदु याद आता है और उसे लिख कर रखते हैं। रंजन गोगोई ने अपने बयान में साफ तौर पर न्यायिक व्यवस्था को घेरने के साथ साथ इशारों इशारों में मोदी सरकार पर भी तंज कसा है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जहां देश की कानून व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं, तो जनता डीजल पेट्रोल के दामों में सुधार की मांग कर रही है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने जनता की परेशानी बढ़ा रखी है। सरकार तेल की बढ़ती कीमतों के लिए बहाने ही दे रही है, कोई समाधान नहीं दे रही और अब तो उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप मालिकों को भी परेशानी हो रही है। तेल की बढ़ी कीमत के बाद भोपाल के पेट्रोल पंप संचालकों को तेल की बिक्री भी रोकनी पड़ी। देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बाजार का नियंत्रण होने के बाद से ही तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर तो पड़ ही रहा है, वहीं डीजल की कीमतों में इजाफे का प्रभाव माल ढुलाई पर पड़ रहा है। तेल की कीमतों पर काबू पाने के लिए तेल पर से अतिरिक्त सेस और टैक्स हटाने की मांग भी उठती रही है। वहीं विपक्ष भी तेल की कीमतों पर सरकार को घेर रहा है। इस सब के बीच एक नई परेशानी ने पेट्रोल पंप के संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में तेल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच जाने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई। शनिवार को भोपाल में पावर पेट्रोल 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर बिका। भोपाल में पुराने पेट्रोल पंपों को बिक्री रोकनी पड़ी क्योंकि दाम 3 डिजिट में पहुंचे तो मशीनों में डिस्प्ले होने बंद हो गए। आपको बता दें कि नए साल के बाद से भोपाल में तेल की कीमतों में करीब 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग पास नहीं हो पाया। 6 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप समर्थकों ने हंगामा किया। इस घटना के बाद अमेरिकी संसद में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। क्यों गिरा महाभियोग प्रस्ताव, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। ऐसी कार्यवाही का सामना करने वाले ट्रंप पहले पूर्व राष्ट्रपति थे। उन पर राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए 6 जनवरी को अमेरिकी संसद भवन में हुए हंगामे का आरोप लगाया गया, जिसके बाद ट्रंप के खिलाफ 4 दिन चली सुनवाई के बाद 100 सदस्यीय सीनेट ने महाभियोग के पक्ष में 57 मत और उसके विरोध में 43 मत डाले थे। ट्रंप को दोषी साबित करने के लिए 10 और मतों की आवश्यकता थी। यहां तक कि ट्रंप की ही पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के 7 सीनेटरों ने भी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के समर्थन में मतदान किया, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी पूर्व राष्ट्रपति को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक 67 मत हासिल नहीं कर पाई थी, जिसके बाद ट्रंप को बरी कर दिया गया। बरी किए जाने के बाद ट्रंप ने एक बयान जारी करके कहा कि किसी भी राष्ट्रपति को पहले कभी ये नहीं झेलना पड़ा था। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद है कि एक राजनीतिक दल को कानून के शासन को कलंकित करने, कानून प्रवर्तन का अपमान करने, भीड़ को बढ़ावा देने, दंगाइयों को माफ करने और न्याय को राजनीतिक प्रतिदोष के माध्यम के रूप में बदलने की खुली छूट दी गई थी। उसे उन सभी विचारों एवं लोगों के खिलाफ अभियोग चलाने, उन्हें काली सूची में डालने, रद्द करने या दबाने की अनुमति दी गई जिनसे वे असहमत हैं। मैं हमेशा कानून प्रवर्तन के नायकों और बिना द्वेष के मामलों पर शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक तरीके से बहस करने के अमेरिकियों के अधिकारों का समर्थक रहा हूं और रहूंगा। अगर बात की जाए ट्रंप के राजनीतिक अस्तित्व की, तो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग संबंधी परिणाम दर्शाते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी पर ट्रंप की पकड़ अब भी बनी हुई है। और बुलेटिन के आखिर में बात अनिवार्य होते फास्ट टैग की। अगर आप अपने वाहन से सफर पर निकल रहे हैं और सारी तैयारी पूरी हो गई है, तो ये एक काम भी जल्दी से पूरा कर लीजिए, अपने वाहन पर फास्ट टैग लगवा लीजिए, क्योंकि कल से पूरे देश में फास्ट टैग अनिवार्य हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके वाहन पर फास्ट टैग नहीं होगा तो आप टोल प्लाजा पर मुश्किल में फंस जाएंगे। इस वजह से आपके सफर का मजाक खराब हो सकता है। तो क्या है फास्ट टैग और ये आपके वाहन के लिए क्यों है जरूरी, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। 15 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाली सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है जो आपको अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से लगाना पड़ता है। अब जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास जाती है तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के
विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग को ट्रैक कर लेता है। इसके बाद आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कट जाता है। इस तरह से आप टोल प्लाजा पर रुके बगैर शुल्क का भुगतान कर पाते हैं। वाहन में लगा ये टैग आपके प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही अपना काम शुरू कर देगा। वहीं जब आपके फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाएगी तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। पहले फास्टैग खाते में अमाउंट की सीमा रखी गई थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग खाते में मिनिमम अमाउंट को हटाने का फैसला किया। NHAI ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य तेजी से फास्टैग की पहुंच को बढ़ाना है, जिससे बिना किसी रुकावट के यातायात सुनिश्चित हो सके और टोल प्लाजा पर होने वाली देरी में कमी आए। फास्टैग लेने के लिए बहुत से तरीके हैं जो वेबसाइट आपको फास्टैग उपलब्ध करा रही है। उस पर जाकर आपको फास्टैग संबंधी एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी जानकारी देनी है, जिसके बाद पेमेंट करना है और बैंक आपके एड्रेस पर इसे भेज देगा। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज देने होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और KYC के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड। कार, जीप, वैन और टाटा एस के लिए फास्टैग कीमत 400 रुपये है, जबकि सिक्योरिटी डिपॉजिट 200 रुपये है। फास्टैग जारी करने की फीस 100 रुपये है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB Live। नमस्कार।